स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है ना। स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या बता रहे हैं कि इस जो हमने लास्ट चैप्टर एटम मॉलिक्यूल में देखा था, चैप्टर फोर है, कि एटम मॉलिक्यूल्स में हमने देखा था कि एटम जो है डिफरेंट इंडिविजुअल है, बट इसमें बता रखा है कि एटम के अंदर ही बहुत कुछ होता है। क्या क्या होता है उसमें, पहले इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आता है, शॉर्टकट है ईंट पर नाच, इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन ने डिस्कवरी की थी 1900 में, और उससे इसमें नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। उससे पहले प्रोटॉन की ई गोल्ड स्टिन ने कर ली थी 1886 में, इसका साथ में कैनाल रेज में से चेक किया था, पॉजिटिव चार्ज होता है पी पॉजिटिव, ठीक है। साथ में इसका इसके लिए जो आता है मेन रदरफोर्ड का नाम आता है प्रोटॉन की उसके लिए। फिर जो है इसका जो मास होता है वो 2000 टाइम्स होता है इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का जो मास होता है। अब जो आता है ईंट पर नाच, ई इलेक्ट्रॉन थॉमसन, थॉमसन पर प्रोटॉन रदरफोर्ड और नाच न्यूट्रॉन चैडविक, एटम्स के अलग अलग मॉडल दिए गए। तो उसमें सबसे पहला मॉडल आता है थॉमसन का मॉडल। थॉमसन ने क्या किया था, क्रिसमस पडिंग की थी, उसने क्या किया था, इसमें एक ये स्पेयर है इसे पूरा माना पॉजिटिव स्पेयर, और इसके बीच में जो सीट डले हुए इसमें उसे क्या मान लिया उसने, इलेक्ट्रॉन्स, और ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, जिससे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है कि जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तभी क्या हो रहा था वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया। लेकिन ड्रॉबैक क्या निकले इसके में, इसकी थ्योरी सक्सेस नहीं हो सकी, इसकी थ्योरी से प्रूव नहीं हो सका इसमें इलेक्ट्रॉन, और उसका जो प्रॉपर नहीं बता सका। फिर आता है मतलब इसने ये तो कह दिया कि थॉमसन ने कि इसके इलेक्ट्रिकली एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाते हैं, क्योंकि जितने इसमें प्रोटॉन होंगे उतने न्यूट्रॉन हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। बट अदर साइंटिस्ट इसके मॉडल को एक्सप्लेन नहीं कर सके, एक्सप्लेन नहीं कर सके बाय दिस मॉडल, मतलब साइंटिस्ट जो और उसको एक्सप्लेन नहीं कर सके, तो ये फेल हो गई। फिर उसके बाद तुम्हारे साइंटिस्ट है रदरफोर्ड, रदरफोर्ड ने अपना एटम दिया, रदरफोर्ड ने क्या किया, अल्फा रेज ली हीलियम एटम की, जिसका एटॉमिक मास होता है 4, अल्फा रेज को पास किया किससे, गोल्ड फॉइल से, सोने की फॉइल थी। जब इसने पास किया तो देखा कुछ रेज बिल्कुल पार निकल गई, बिल्कुल पार निकल गई है रेस, लेकिन कुछ रेज जो बीच में जो टकराई हो किसी चीज़ से टकराई हो डिफ्लेक्ट हो गई, क्या हो गई, डिफ्लेक्ट हो गई। तो उससे ये पता लगा जो जहाँ से डिफ्लेक्शन हो रहा है, मतलब कि एटम का मोस्टली पार्ट क्या होता है खाली होता है, और जहाँ पे जो है डिफ्लेक्शन हो रहा है बीच में कुछ पार्ट बढ़ता है उसे बोला न्यूक्लियस, वो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है इसे न्यूक्लियस कहा गया, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं। बट इसके भी ड्रॉबैक्स निकले, इसके ड्रॉबैक्स क्या थे कि इसमें यह नहीं पता लगा कि इसके इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहे हैं, तो मूव करते करते इलेक्ट्रॉन जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो अपनी एनर्जी रेडिएट करता है, तो जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो एनर्जी रेडिएट करेंगे तो उसे वो सीधा न्यूक्लियस में गिर जाएंगे। पर ऐसा इसके केस में नहीं है, इलेक्ट्रॉन तो मूव कर रहे हैं, इसका मतलब इसकी ये थ्योरी ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर सकी। तो जब एक्सप्लेन नहीं कर सकी तो उसके बाद आया बोर मॉडल, बोर मॉडल ऑफ एटम आया, उसने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है उनकी अपनी एक सेल्स होती हैं, उन सेल्स में ऑर्बिट में जो उनकी अपनी एक सेल होती है, के सेल, एल सेल, एम सेल और एन सेल, ये 2n स्क्वायर फॉर्मूला है, और n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, जिससे हम क्या बता सकते हैं कि के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, एम सेल में 18, एन सेल में 32। इस तरह से इलेक्ट्रॉन क्या है इसमें ये मूव करते हैं, और इसी को मूव करने के बगैर नहीं वो अपनी एनर्जी रेडिएट नहीं करते, और जिस वजह से इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं, जैसे सन के चारों ओर जो है प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। उसके बाद यहीं पर न्यूट्रॉन भी आ गया, न्यूट्रॉन की किसने करी, जेम्स चैडविक ने 1932 में। इसमें कोई चार्ज नहीं होता, इसका मास नियरली इक्वल होता है प्रोटॉन के मास के, ये न्यूट्रॉन एन से डिनोट करते हैं, और ये जो है न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होता है प्रोटॉन के साथ, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन तुम्हारे मूव कर रहे हैं। फिर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन सेल में के में 2 ही रहेंगे, एल में 8 ही रहेंगे, एम में 18, लेकिन जैसे सोडियम है इसका जब डिस्ट्रीब्यूशन करोगे 2, 8, 1, तो जितना लास्ट में इलेक्ट्रॉन बच गया वही उसकी बैलेंस ही है, वी प्लस, एन ए प्लस सोडियम आयन होगा, तो इसका मतलब उसकी बैलेंस कितनी हो गई, उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो उसकी बैलेंस, उसके इलेक्ट्रॉन टोटल एटॉमिक नंबर 10 हो गए, तो वो तो पूरा नोबल गैस बन गया, जो किसी हाली अनरिएक्टिव होती है गैस। अच्छा, इसका जब इलेक्ट्रॉनिक वो बनाएंगे कॉन्फिगेशन, तो बीच में प्लस, ये के में 2 दिखाएंगे, इसमें 8 दिखाएंगे, फिर एन में 1 दिखाएंगे। एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल जेड से, और तुम्हारा यही है। फिर मास नंबर या एटॉमिक मास, ये क्या होता है, सम ऑफ एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के सम के इक्वल होता है, इसे डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। इसका फॉर्मूला क्या है, ए मास नंबर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन, इनका सम, और प्रोटॉन की जगह हम एटॉमिक नंबर भी कह सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। इन दोनों को एक साथ जब ड्रॉ करते हैं ऐसे, एक्स है कोई एटम है, जेड नीचे आएगा एटॉमिक नंबर, ऊपर ए आएगा मास नंबर, 6e12 और 6e12, ठीक है ना, इस तरह से, या तो इधर लिख लो 12 या इधर लिख लो 12। फिर आता है आइसोटोप, आइसोटोप का मीनिंग है सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक मास होता है। देखो 1s1 1s2 1s3, ये होता है तुम्हारा प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटीरियम, ठीक है,
एटॉमिक नंबर सेम बट एटॉमिक मास डिफरेंट। ऐसी देखो 17 Cl 35, 17 Cl 37, इसका एटॉमिक मास क्या है, क्लोरीन के हैं। एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास डिफरेंट। 60 12 60 14, एटॉमिक नंबर सेम बट एटॉमिक मास क्या है इसका, डिफरेंट है। फिर एक आता है एवरेज एटॉमिक मास निकालना, जैसे 70 Cl 35 और 70 Cl 35, ये 35%, 75%, ये 25%। निकालते कैसे हैं, एटॉमिक मास लिखेंगे 35 × 75% प्लस 37 × 25%, परसेंट सॉल्व कर लो, 35.5 μ ये मास आ जाएगा। फिर आता है तुम्हारा आइसोबार्स, इसका एटॉमिक मास सेम होगा, डिफरेंट एटॉमिक नंबर होते हैं। एग्जांपल इज 18 Au 40 या 20 Ca 40, एटॉमिक मास सेम बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट। फिर होता है आइसो न्यूट्रॉन्स या आइसोटोन्स, सेम होते हैं न्यूट्रॉन्स के नंबर। और फिर इसके क्वेश्चन आते हैं, 3 2 1 इससे अलग करना, उनके हिसाब से उनकी बैलेंस ही बता देते हैं। मेटल में होगा तो 1 2 3 जो लास्ट में बच गया तो वही उनकी बैलेंस। जब जब किसी में 4 5 6 7 बच रहे हैं तो 8 से माइनस करेंगे तो नॉन मेटल में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। लिथियम, ये सब निकालें। इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर आते हैं तुम्हारे, ये तो तुम्हारे सिम। फिर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम निकालने को पूछेगा तुमसे, कहेगा ठीक है ना, ये तो एटॉमिक नंबर थे तुम्हें दिए थे, CH3OH, C2H5NH3CO3, NaOH, CoCl2, CaO3, CoH2SO4, CoH का उल्टा, ये सब इनके एटॉमिक मास लिखे हुए हैं इनके।